नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में आशा एवं आशा संगनियों को जनवरी माह से अब तक का वेतन नहीं मिलने से परेशान आशा एवं आशा संगनियों ने कलेक्ट्रेट पहुँच कर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। साथ ही जिला प्रशासन को जल्द से जल्द वेतन दिलाए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि समस्त आशा और आशा संगनी कोतवाली ब्लॉक पर कार्यरत हैं, सभी को जनवरी 2023 से कोई भी मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जिस कारण सभी आशा बहनों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। मानदेय न मिलने के बावजूद भी समस्त आशा और संगनी स्वास्थ्य विभाग में निरंतर कार्यरत हैं। सभी आशाओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर उनका वेतन दिलाए जाने की मांग की है। कल्पना चौहान मेरा नाम है जी। हमारा जनवरी से आज तक का कोई किसी का पैसा नहीं मिला। समस्त आशा और आशा संगनी हम सब यहाँ आए हुए हैं। हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ। हमारा कोई पैसा नहीं आया जनवरी से आज तक का, दिसंबर तक का बस सिर्फ पैसा पड़ा है। हम बहुत परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से भी बहुत परेशान हैं। घर वाले भी ये बोलते हैं कि पैसा तो कोई मिल नहीं रहा, आप कहाँ रोज चल देती हो थैला उठा के। हम बहुत परेशान हैं, सबसे गुहार भी की, हमने प्रभारी जी से भी बोला, CMO साहब से भी बात की। अब हम DM साहब के ऑफिस में आए हैं, बस इन्होंने हमारी बात सुनी है। तो DM साहब ने क्या आशा दिया है? कल तक का दिया है कि हम कल को आपका समस्या का समाधान करवा देंगे। और कल को उन्होंने सभी को बुलाया है जो पेमेंट डालते हैं, इन्होंने हमें कहा है कि कल तक का हमारा सब करवा देंगे पैसे का। और इसी के साथ जुड़े हैं बंधन समाचार के साथ।